बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी फिल्म को बढ़ावा देने साठ फिल्म निर्माता निर्देशक जीपी सांडे पटकथा लेखक सनत बंजारे के मार्गदर्शन में पचपेड़ी क्षेत्र में साठ फिल्म बिटिया की शूटिंग ग्रामीण अंचल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह महिलाओं के हक अधिकार व बाल विवाह जैसे कुप्रथा पर आधारित फिल्म है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी फिल्म को बढ़ावा देने साठ फिल्म निर्माता निर्देशक जीपी सांडे पटकथा लेखन सनत बंजारे के मार्गदर्शन में पचपेड़ी क्षेत्र में साठ फिल्म बिटिया की शूटिंग ग्रामीण अंचल में किया जा रहा है। आज के इस युग में महिलाएं एक बंधक जीवन जीने के समाज के द्वारा कहा जाता है, लेकिन इस दौर में महिलाएं भी पुरुषों का मुकाबला कर अलग अलग मुकाम हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस साठ मूवी में महिलाओं के हक अधिकार व बाल विवाह जैसे कुप्रथा पर आधारित फिल्म है। इसमें सहभागी कलाकार प्रेम बर्मन, अंजना दास, पूजा बंसोड़, माधुरी नेताम है। गीत संगीत व एक्शन रमेश चौहान का है। आज जो पिक्चर हमन शूटिंग करा थन वो पिक्चर के नाम है बिटिया। साठ मूवी है, यह बाल विवाह के विरोध के ऊपर हमन फिल्मा थन। अच्छा, आप इस मूवी से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये मूवी से समाज ला ये संदेश देना चाहता हूँ कि लड़की मन के शादी ला उम्र हो से पहली नहीं करना चाहिए और लड़की और लड़का मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, आपको यहाँ शूटिंग के द्वारा ग्रामीणों का सहयोग किस तरह से मिल रहा है? यहाँ शूटिंग के मोला यहाँ शूटिंग में गांव वाला मन के भरपूर सहयोग मिला थे और हमार जो सरपंच महोदय है उकर महोदय सहयोग मिला थे, BDC साहब है उमन के सहयोग मिला थे। हाँ, इसके पहले लीड रोल में मैं राखी की प्रीत फिल्म का किया हूँ, जिसमें डायरेक्टर गोपाल सांडे जी हैं और उस फिल्म का गाने भी AVM से एक गाना प्रसारित हो चुका है। हमारे साठ मूवी में एक तो बढ़िया से कहानी है बिटिया, जेकर शीर्षक है ये मूवी के नाम है। और हमने माँ ये बताए हैं कि नाबालिग लड़की के शादी नहीं करना चाहिए, एमा रोक लगाना चाहिए। और जनता मन से मैं यही आग्रह करी हूँ कि अपन बेटी की शादी कम से कम वो बिल्कुल ना करें, कम से कम 21 साल में। आप दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं? दर्शक मन ला मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पिक्चर ला जब हमारे YouTube चैनल में डलही तैला सब के सब देखियो, लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और ज़्यादा से ज़्यादा एला हमारे फिल्म ला आशीर्वाद दिया। खास इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये शिक्षा प्रद है और बाल विवाह को मतलब रोका गया है और ये बताया गया है कि बच्चों को पढ़ाई मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, ये बोला गया है। चूँकि आप खुद एक बेटी हो जी। और यह फिल्म जैसे कि आपके द्वारा बोला गया है कि बेटी पर आधारित है, जैसे कि आपका शॉर्ट मूवी का नाम है बिटिया करके जी। तो आपको कैसा महसूस होता है ऐसा फिल्म में सहभागिता निभाते हुए? इसमें मेरा रोल एक चुलबुली लड़की का है जो लड़की है लेकिन अपने आप को वो लड़का समझती है, मतलब उसका सोच ये होता है कि लड़कियाँ लड़कों से कुछ कम नहीं है, चाहे वो गांव की लड़की हो चाहे शहर की लड़की हो, अपने बलबूते पढ़ाई लिखाई करके वो अपना स्ट्रॉन्ग मतलब बन के वो दुनिया में अपना नाम दिखा सकती है जी। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि जानकारी में है कि आपको कुछ अवार्ड प्राप्त हुआ है आपकी मूवी को जी। मेरी ये शॉर्ट फिल्म है बिटिया और हमारी पूरी यूनिट है, डायरेक्टर हैं और बाकी कलाकार भी हैं जिन्होंने राखी के प्रीत में भी किया था और हमारी फिल्म थी राखी के प्रीत CG फिल्म जो अभी कोरोना के लिए रिलीज़ नहीं हो पा रही है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, भाई बहन के प्यार के ऊपर दिखाया गया है फिल्म और कोरोना का कुछ माहौल कम हो जाए उसके बाद फिल्म लगेगी और आप लोग ज़रूर देखें और हमारी ये शॉर्ट फिल्म आप लोगों तक पहुँचेगी YouTube चैनल तक और इसे आप लोग देखें ज़रूर। और मैं आपसे करना चाहता हूँ, चूँकि आज आप इस छोटी सी उम्र में
फिल्म लाइन में एक्टिंग कर रहे हैं, तो आगे भविष्य जान में क्या करना चाहते हैं आप? अवार्ड तो मेरे को एक शॉर्ट फिल्म में भी मिला था जी, उस फिल्म का नाम मैं जान सकता हूँ, अब बस, हिंदी फिल्म अब बस, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। और मेरी फर्स्ट फिल्म ही थी जो 2016 में मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मेरे को मिला है। और मैं 11 फिल्मों में लीड कर चुकी हूँ। मैं ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।